अगले ओलंपिक्स में मैं हिंदुस्तान को पहलवानी में मेडल दिलाऊंगा, वो भी सोने का। इंडिया का कोर्ट? ओए हमें नहीं मिलता इंडिया का कोर्ट, कमाना पड़ता है। तुझ में कितनी रेसलिंग बाकी है। आप सबने आमिर खान की मूवी दंगल तो देखी होगी। दंगल मूवी आमिर खान की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी है। उनकी दमदार एक्टिंग को कौन भूल सकता है। दंगल मूवी को हर उम्र के लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया है और अब खबरें निकल कर आ रही हैं कि दंगल मूवी का सुक्वल यानी कि दंगल 2 मूवी आने वाली है और बहुत ही जल्द मेकर्स मूवी की शूटिंग करने वाले हैं। अभी मूवी की स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है। स्क्रिप्ट कंप्लीट होने के बाद मूवी की ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दी जाएगी और ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद उनकी कास्टिंग को भी फाइनल कर लिया जाएगा। फिर मूवी की शूटिंग भी जल्द से जल्द शुरू कर दी जाएगी। पर सभी के लिए एक सवाल है कि अब की बार मूवी की स्टोरी क्या होने वाली है। ये बात तो पक्की है कि मूवी की स्टोरी अब की बार बिल्कुल अलग होने वाली है, क्योंकि पार्ट 1 में हमें ऐसा कोई भी हिंट नहीं दिया गया था जिससे उसके पार्ट 2 की स्टोरी पार्ट 1 से कनेक्ट कर पाए। इसीलिए पार्ट 2 की स्टोरी भी बिल्कुल अलग ही होगी। पर ये खबरें आ रही हैं कि दंगल पार्ट 2 भी एक रियल स्टोरी पर बेस्ड होने वाली है, यानी कि अब की बार हमें किसी और रियल रेसलर की स्टोरी देखने को मिलने वाली है। पर ये रेसलर कौन होने वाला है अभी इसको लेकर भी कोई खबर नहीं दी गई है। अगर रेसलर को फाइनल भी कर लिया गया तो अभी तक इसकी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी नहीं की गई है। मूवी की कास्टिंग को लेकर कुछ एक्ट्रेस के नाम सामने आए हैं और सुनने को मिल रहा है कि मूवी में हमें लीड रोल में आमिर खान ही देखने को मिलेंगे और पार्ट 2 में भी आमिर खान एक ओल्ड मैन का रोल निभाने वाले हैं। और मूवी की कास्टिंग में दो हीरोइनों के नाम सबसे ऊपर चल रहे हैं, उनका नाम है सोनाक्षी सिन्हा और सारा अली खान। लेकिन अभी तक इन दोनों ने दंगल पार्ट 2 में होने की कोई भी अपडेट नहीं दी है, ना ही मेकर्स ने इनके नाम को लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट की हो। हो सकता है कि इनकी जगह पर हमें कोई और बड़ा कलाकार देखने को मिल जाए, पर अभी तक तो इन्हीं का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। वही बात करें मूवी के डायरेक्टर की तो इस मूवी को दंगल पार्ट 1 के डायरेक्टर ही डायरेक्ट करने वाले हैं। दंगल पार्ट 2 को नितेश तिवारी डायरेक्ट करने वाले हैं। मूवी के लिए लोगों में काफी ज्यादा एक्साइटमेंट बना हुआ है और मूवी के ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद तो मूवी को लेकर काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी मूवी की स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है। मूवी की स्क्रिप्ट कंप्लीट होने के बाद मूवी की कास्टिंग को फाइनल कर लिया जाएगा। इसके बाद जल्द से जल्द मूवी की शूटिंग भी स्टार्ट कर दी जाएगी। लेकिन शूटिंग में भी लगभग एक साल का समय लगने वाला है। अगर मूवी की शूटिंग 2024 में स्टार्ट होती है तो फिर हमें 2025 के लास्ट में या फिर 2026 में देखने को मिल सके, यानी कि अभी हमें दंगल पार्ट 2 के लिए काफी ज्यादा इंतजार करना होगा। और अब देखना और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि दंगल पार्ट 2 अपने दंगल पार्ट 1 का रिकॉर्ड तोड़ पाती है या फिर नहीं। अगर मूवी की स्टोरी काफी अच्छी होगी यानी कि दंगल पार्ट 1 की तरफ, तो मूवी जरूर अपने पहले मूवी का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, दंगल पार्ट 2 दंगल 1 का रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब होगी या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।